हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी वीडियो का ऑडियो चेंज कर सकते हो। आप किसी भी वीडियो में कोई सा भी गाना ऐड कर सकते हो या फिर किसी भी फनी क्लिप्स पे आप अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना और मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में भी बताऊँगा बिना किसी वाटर मार्क के। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप काइन मास्टर है, जिस पे कोई भी वाटरमार्क नहीं लगेगा। आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से ही डाउनलोड करना है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो हम अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वीडियो का रेशो चूज कर लेना है। तो यहाँ पर हम 16:9 का रेशो चूज कर लेते हैं, ठीक है। रेशो चूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करना है और वीडियो का बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम कोई सा भी रख लेते हैं। इतना करने के बाद अभी इसे सही पे क्लिक कीजिए और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सारी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स में आपको सिखाऊंगा जो भी होता है, ठीक है। इसको सही पे क्लिक कर देना है और जिस भी वीडियो का ऑडियो चेंज करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाएंगे। मीडिया को जाने के बाद हम कोई सी वीडियो एक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी ही वीडियो को ले लेते हैं, हम किसी का कोई और वीडियो नहीं लेते हैं क्योंकि कॉपीराइट का डर होता है, ठीक है। तो हम इसे सही पे क्लिक करेंगे और फिर से यहीं पे क्लिक करके इसे हम वीडियो को सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को सेट कर लीजिए, ठीक है, और इसे सही पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पर हमारी सेट हो चुकी है और अब इस पर हम क्या करेंगे, इसकी अगर आप चाहते हैं कि पहले से वीडियो में अगर ऑडियो है तो उसे आप शांत कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चूँकि माइक्रोफोन निकाल देते हैं, ठीक है, तो इसे हम प्ले करते हैं। और सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, इसका वॉइस को जो है शांत कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो स्पीकर पे क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम जो है इसे 100 है, इसे 0 कर देना है, तो इसकी वॉइस जो है म्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको इसमें वॉइस ऐड कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और जो भी आपको म्यूजिक इसमें ऐड करना है आपको पहले से डाउनलोड करना होगा, तो पहले से आप डाउनलोड करके रख लीजिए। ये सारे एल्बम्स पे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं काफ़ी सारे गाने शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम कोई सा भी एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि नॉन कॉपीराइट, ठीक है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर इसे सही कर देना है, ठीक है। ये देखिए ऑडियो ऐड, किसी भी वीडियो में आप गाना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि साथ में दो और गाने ऐड कर दें तो यहाँ से आपको फिर से ऑडियो पे जाना है, फिर से कोई सा भी एक म्यूजिक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप और भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं और इस ऑडियो को आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में दो वीडियो प्ले हो तो, ठीक है, फिर से आपको क्या करना है कि लेयर पर क्लिक करना है और लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद फिर से कोई एक वीडियो चूज़ कर लेना है। हमारे पास अभी फ़िलहाल ये वीडियो, ठीक है, तो हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं और इसे सही भी कर देते हैं, ठीक है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, ये इस प्रकार से आप क्रॉप कर लीजिए और इसे कहीं भी सेट कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसे आप मतलब एक वीडियो में आप कई वीडियो प्ले कर सकते हैं, कैसे आपको सेट करना है मैंने आपको बता दिया तरीका, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसका ऑडियो म्यूट कर दे तो आप फिर से उसी वीडियो में क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्पीकर पे जाना है और इसकी वॉइस को म्यूट कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इसे आप जब प्ले करेंगे तो इसका कोई किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग और कोई सी भी वीडियो का एडिटिंग करना, कैसे म्यूजिक ऐड करना, सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दिया। और बेस्ट एप्लीकेशन जो है काइन मास्टर है वीडियो एडिटिंग ऐप, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे XYZ में कुछ भी देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट वगैरह भी दे सकते हैं अच्छी खासी, यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसे सही पे क्लिक कर दीजिए, आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं और फिर से लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप हैंडराइटिंग भी कर सकते हैं और कोई इफेक्ट भी दे सकते हैं आप यहाँ से। देखिए यहाँ पे ब्लर वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, कोई वीडियो का पार्ट अगर आपको ब्लर करना है तो ब्लर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। और अब बताते हैं इसमें अपनी कैसे वॉइस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉइस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोफोन क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और इसे सही पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, आपको सुनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी दो दो वॉइस चल रही हैं, तो आप किसी भी एक वॉइस को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से,
ये देखिए हमने म्यूजिक ऐड किया था, ये चूंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो म्यूजिक हमने ऐड किया था। और आप वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हो, आप कहीं से भी कट कर सकते हो। ये देखिए आप वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से कट करना है ऑप्शन, तो आप सीधे कट कर दीजिए। ये देखिए वीडियो कट हो चुकी है यहाँ से। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन के थ्रू। ये छोटा सा वीडियो था मैंने एडिटिंग के बारे में जो सिखाया। और अगर आपको कुछ भी और जानना है काइनमास्टर एप्लीकेशन का, कोई सा भी फीचर्स या फिर एडिटिंग अच्छी खासी कैसे करें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि काइनमास्टर का कौन सा वो फीचर जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको सारी वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको तीर पे क्लिक करना है और उसी वीडियो पे क्लिक करना है जिसको आपने एडिट किया है, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। आपको जिस हिसाब से आपको जितने भी MB का वीडियो एक्सपोर्ट करना हो, तो यहाँ से हमने फुल HD 1080p पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप 4K पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 720p पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। मैं तो फुल HD पे ही इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप 30 ही फ्रेम रेट करें और इसे आप एक्सपोर्ट कर लें। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी अगर पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में सारी चीज़ समझा दूंगा। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।